इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पास आमदनी नहीं है, उसका समाधान क्या होगा इसके बारे में जिक्र नहीं है। RBI ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, काले धन का जो गंगोत्री है वो राजनीतिक पार्टियों में घुस जाएगा। भाजपा धनाढ्य हो गई लेकिन देश कंगाल हो गया। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। विभिन्न मुद्दों को लेकर आज एक बार फिर से धन के भार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, दो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। एक तो है कि जो सरकार बजट ला रही है उसमें बिहार में जो हाल में जातीय गणना का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के आलोक में गरीबी कैसे दूर हो, गरीबों का घर कैसे बने, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पास आमदनी नहीं है, उसका समाधान क्या होगा इसके बारे में जिक्र नहीं है। तो एक तो जनता के नज़रिए से ये जो बजट है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। दूसरा हमारा मुद्दा ज़रूरी है कि दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है। 2017 में जब मोदी सरकार जबरदस्ती इस कानून को देश के ऊपर थोप रही थी, उस समय तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया था, साथ ही साथ RBI ने विरोध किया। RBI ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, काले धन का जो गंगोत्री है वो राजनीतिक पार्टियों में घुस जाएगा, ये सब RBI ने कहा। चुनाव आयोग ने मना किया, इसके बावजूद वो लाया गया। और हम देख रहे हैं कि देश की संपत्ति को औने पौने दाम पर चंद कॉरपोरेट को दे करके बदले में उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गुप्त तरीके से चंदा लेकर के भाजपा धनाढ्य हो गई लेकिन देश कंगाल हो गया। तो ये खरबों का घोटाला है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ ED का कार्रवाई इस पे होना चाहिए क्योंकि इसमें काला धन शामिल है। आपके विधायक की सदस्यता चली गई है, क्या उसके ऊपर आवाज उठाएंगे? एकदम हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस भी फाइल किया है। हमारे जो विधायक हैं मनोज मंजिल जी, उनकी सदस्यता खारिज करने के लिए ही एक ऐसे केस में जिसका कोई ग्राउंड नहीं था, जिसमें ना तो डेड बॉडी की पहचान हुई, ना तो कोई गवाही है, ना तो कोई सबूत है, ना तो ये शिनाख्त हो पाई कि वो डेड बॉडी किसकी है। अब देखिए, जिसकी डेड बॉडी के ऊपर ये निर्णय दिया गया है उसकी उम्र 45 साल है बताया जा रहा है उस डेड बॉडी का। जिन्होंने केस किया है उनका लड़का, उसका उम्र 40 साल है, तो 45 साल के व्यक्ति का पुत्र का उम्र 40 साल तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह के कई सारे लूप होल्स थे इस केस में, किसी को कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि इस तरह का निर्णय आएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर भाजपा विपक्ष की ताकतों को तोड़ने में लगी हुई है, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये राजनीतिक दबाव के चलते इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। नहीं तो किसी भी मर्डर केस में 23 लोगों को आजीवन कारावास आपने सुना नहीं होगा, 23 लोग एक आदमी को मार सकते हैं। तो ये बेबुनियाद आरोप था, उसके ऊपर जो निर्णय आया वो दुर्भाग्यपूर्ण था और इसको चैलेंज करने के लिए हम लोग हाईकोर्ट में भी जा रहे हैं और सड़क पर भी उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हाईकोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर क्या NDA सरकार से सवाल पूछेंगे हाउस के दौरान? पूछा है, हमने सवाल पूछा है और आपके माध्यम से भी हम इस सवाल उठाना चाह रहे हैं कि आखिर विपक्ष से लड़ने का ये कौन सा तरीका है? क्या आप विपक्ष के सांसदों को गलत तरीके से फंसा करके उनकी सदस्यता खत्म करेंगे, या विपक्ष के जो सांसद हैं या जो आपकी बात नहीं माने, आप ही के पक्ष के जो सांसद विधायक हैं, जो NDA के विधायक हैं बीमा भारती जी, उनके लड़के को और पति को अरेस्ट करवा दिया आपने, मिश्रीलाल यादव जी के लड़के को आपने अरेस्ट करवा दिया है। तो इस तरीके से अगर सरकार चलाइएगा, तानाशाह तरीके से जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको, उसके खिलाफ हम साजिश करते रहेंगे, तो जनता सब देख रही, जनता इसका हिसाब देगी। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के e-homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं e-homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes पैनोरमा के संग। e-homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।